नमस्कार, मैं शिप्रा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन 1982 में पहला भारतीय वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका पहुँचा। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवा वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका को एक बर्फीला रेगिस्तान माना जाता है। अंटार्कटिका पर पहुंचने के बाद से भारत ध्रुवीय विज्ञान में अग्रिम मोर्चे पर रहा है। अंटार्कटिका तक अकेला पहुंचने वाला पहला व्यक्ति न्यूजीलैंड का डेविड लुइस था, जिसने यहां पहुंचने के लिए 10 मीटर लंबी इस्पात की छोटी नाव आइसबर्ग का प्रयोग किया था। आज के दिन 1951 में आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय खुला। यह मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों के हस्ताक्षर से हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य युद्ध को रोकना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, जीवन स्तर सुधारना, बीमारियों से लड़ना और सामाजिक आर्थिक विकास करना है। आज के दिन सन 1922 में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जन्म हुआ। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने डीएनए अणु संरचना को स्पष्ट किया था। खोज के द्वारा यह पाया गया कि जीन्स डीएनए और आरएनए के संयोग से बनते हैं, अतः इन्हें जीवन की मूल इकाई माना जाता है। कृत्रिम जीन्स के अनुसंधान से पता चला है कि जीन्स मनुष्य की शारीरिक रचना, रंग रूप और गुण स्वभाव से जुड़े हुए हैं। 1968 में उन्हें चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा। आज के दिन सन 1945 में स्वाधीनता सेनानी तथा राजनेता छोटू राम का निधन हुआ। 1912 में इन्होंने जाट सभा का गठन किया। प्रथम विश्व युद्ध के समय में छोटू राम ने रोहतक से 22,144 जाट सैनिक भर्ती करवाए थे, जो कुल सैनिकों का आधा भाग था। 1915 में उन्होंने जाट गजट नाम का एक क्रांतिकारी अखबार शुरू किया, जो हरियाणा में आज भी छपता है। छोटू राम के महत्वपूर्ण योगदान से ही साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938, गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938, कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938, व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940, कर्जा माफी अधिनियम 1934 संभव हो पाए। राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार पर भी उन्होंने ही पाबंदी लगवाई थी। आज के दिन सन 1873 में नेपोलियन बोनापार्ट तृतीय का निधन हुआ। लुई नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी रिपब्लिक का प्रथम राष्ट्रपति तथा नेपोलियन तृतीय के रूप में द्वितीय फ्रांसीसी साम्राज्य का शासक था। वह नेपोलियन प्रथम का भतीजा तथा उत्तराधिकारी था। उसका नाम 19वीं शताब्दी के सबसे साहसी यूरोपीय शासकों में शुमार है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी की ओर से 9 जनवरी दिन बुधवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है बुद्धि व विवेक। मेष, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52% है। अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी व धानी तथा निषेध रंग हरा व काला है। वृष, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 67% है। शुभ समय व्यतीत होने के योग है। शुभ रंग सफेद व हरा तथा निषेध रंग लाल व पीला है। मिथुन, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77% है। कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में होने के योग हैं। शुभ रंग हरा व काही तथा निषेध रंग पीला व बसंती है। कर्क, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 39% है। मानसिक परेशानियां उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा धानी तथा निषेध रंग सफेद नारंगी है। सिंह, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 59% है। कार्य क्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल हरा तथा निषेध रंग काला व नीला है। कन्या, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77% है। भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग हरा काही धानी तथा निषेध रंग पीला व बसंती है। तुला, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 76% है। अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग सफेद हरा तथा निषेध रंग पीला व लाल है। वृश्चिक, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 57% है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग सिंदूरी है। धनु, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 51% है। घरेलू समस्याओं से घिरे रहने के योग है। शुभ रंग बसंती धानी तथा निषेध रंग काला व जामनी है। मकर, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 74% है। शुभ फल प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला काला तथा निषेध रंग पीला व लाल है। कुंभ, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 75% है। अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग पीला व बसंती है। मीन, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52% है। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती तथा निषेध रंग थानी है। सभी के लिए दिन का नकारात्मक
प्रभावी समय दोपहर 12:22 से 2:06 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी से 0121-2666-888 या 0983-7060-0046। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें IMT मीडिया।